दोस्तों आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और जानिए ध्यान एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान को किया कैसे जाता है और क्यों किया जाता है, ये आपके साथ क्या क्या कर सकता है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकता है और ये आपको ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। ध्यान चेतना की एक अवस्था है। हम मानव बाहर की ओर सारी की सारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। हमारी सारी की सारी चेतना, हमारी सारी की सारी इंद्रियां बाहर काम करने के लिए बनी है ना। हमारी सारी इंद्रियां, आंख बाहर देखती है, कान बाहर सूंघते हैं, स्पर्श, खाने का स्वाद, नाक की गंध, सब बाहर है। सारी इंद्रियों के व्यवहार जो है ना वो बाहर की तरफ होते हैं, है ना। इसलिए वो कहावतें बनती हैं, इसलिए वो श्लोक बनते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें बनती हैं कि कस्तूरी का मृग जंगल में घूमता रहता है लेकिन उसकी खुशबू कहाँ से आ रही है उसको पता नहीं लगता, क्योंकि उसकी सारी की सारी यात्रा जो है, दौड़ है, वो कहाँ है, जंगल के अंदर है। और जबकि कस्तूरी कहाँ छिपी हुई है, वो उसके घट में छिपी हुई है, अंदर छिपी हुई है। ध्यान क्या है? ध्यान अपनी यात्रा को मोड़ने का नाम है, अंतर्मुखी होने का नाम है। बाह्य वृत्तियों को छोड़कर अंदर को पकड़ लेने का नाम ध्यान है। ये चित्त की एक अवस्था है, ठीक है, चेतना की एक अवस्था है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना करी, उसके अंदर 196 सूत्र हैं और उसका जो पहला श्लोक है वो ये कहता है कि अथ योग अनुशासनम, अब योग का अनुशासन आरंभ होता है। और दूसरा सूत्र है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधम, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधम। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को, चित्त की कामनाओं को रोकने का नाम योग है। अब योग और ध्यान, आप कंफ्यूज हो गए हैं, बात ध्यान की कर रहे हैं, योग कहां से आ गया बीच में? योग एक संयुक्त शब्द है, एक एग्रीगेटिव टर्म है। योग एक ऐसा निष्पत्ति है जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? युज धातु से। युज धातु का मतलब होता है जोड़ना। किसका किससे जोड़? मोटी भाषा में आप कह लो आत्मा का परमात्मा से जोड़, है ना। जब हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को खत्म करके और उस बड़ी इच्छा के साथ विलीन कर देते हैं तो वो योग हो जाता है, ठीक है। अष्टांग योग के अंदर अष्टअंग का अर्थ यही है कि जिसके अंदर आठ अंग हो। महर्षि पतंजलि ने आठ योग के अंग दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले जो पांच हैं वो है बाह्य योग और अंत्य तीसरे जो है वो है अंत्य योग। तो इसके अंदर ध्यान जो है वो सातवें नंबर पे आता है। ये सारा का सारा योग है और योग की ये पूरी यात्रा यम से शुरू होके समाधि तक वो उत्तरोत्तर यात्रा है। और ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग, पहले यम अब साधेंगे फिर नियम साधेंगे, ऐसा नहीं है। वो सारी की सारी इकट्ठी करी जाती है, ठीक है। महर्षि गोरखनाथ ने गोरख संहिता के अंदर 112 तरीके बताए हैं ध्यान के। ध्यान के तरीके 112 होने का अर्थ ये नहीं है कि ध्यान की मंजिल भी 112 है। मंजिल हमेशा एक ही होती है, ये सारे रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के, ये अलग अलग मार्ग हैं। जैसे आपको बद्रीनाथ पहुंचना, हो सकता है आपके चार रास्ते अलग अलग निकलते हो जाने के, लेकिन बद्रीनाथ तो एक ही है, पहुंचोगे सबसे आप बद्रीनाथ। ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति के सारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन आप पहुंचोगे कहाँ? वहीं जो असली सबका अंतिम ध्येय है, ठीक है। तो योग का अंतिम ध्येय क्या है? अपने आप को जानना, है ना, अपने आप का साक्षात्कार करना, इसे बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। अब हम क्या होता है, दिमाग में 50,000 थॉट्स आते हैं हमारे पर डे, जिनमें से काम के कितने होते हैं? 10-20। बाकी सारा क्या होता है? कूड़ा कचरा। लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ें भरती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं और इकट्ठे होते होते हमें तनाव दे देती हैं, हमारी परेशानियों का कारण बन जाती हैं और बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां एक्वायर्ड होती हैं, 100 में से 90 बीमारियां एक्वायर्ड होती हैं। एक्वायर्ड का मतलब जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं, आत्मजनित होती हैं वो, है ना। सिर्फ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। अगर हम चाहें तो 100 में से 90 बीमारियों को बिना किसी इलाज के
दूर कर सकते हैं, यानी अपने तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे? ध्यान की शक्ति को समझ के। ध्यान चित्त की वो दशा है जब जो आपको एक लक्ष्य पे फोकस कर सकती है, एक जगह पे केंद्रित कर सकती है। जब हम बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? बैखरी। बैखरी का मतलब है जो शब्द हम बोलते हैं, जो बाहर निकले जीभ से, वो क्या हो गए? बैखरी। और दूसरा, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी संवेदना में और इसी भाग में रहते हैं। उसके पीछे शब्दों का निर्माण कहां होता है? शब्द जो बने हैं, जो विचार हमारे पास आए हैं, जो शब्द आए हैं, वो किसका रूप है? शब्द किसका रूप है? मन में किसके विचारों का रूप है ना। जैसे एक मकान किसका रूप है? हमारी कल्पना का रूप है। पहले वो नक्शे पे आई, उससे मकान बना। ऐसे ही विचार जो है पहले मन में आए और उसके बाद क्या बने? शब्द बने, भाषा बनी। तो वो कौन सी चीज होगी? विचार क्या हो गए? उसे बोलते हैं मध्यमा। और एक तीसरा तल होता है उससे पहले, जो ना विचारों का तल है, ना भाषा का तल है, ना शब्दों का तल है, उससे पहले का तल है। उस तल का नाम क्या है? उस तल का नाम है पश्यंती। पश्य मैंने होता है देखना। जब आपको विचारों से पहले चीजें दिखनी शुरू हो जाएं, विचारों से पहले कब दिखेंगी? जब आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, ईश्वरीय प्रेरणाएं या ईश्वरीय गुण आ जाएंगे, वो तब दिखती हैं। जैसे यहूदी धर्म के जो प्रवर्तक थे, मूसा बोलते हैं उनको, मूसा को ओल्ड टेस्टामेंट दिखे, उनके पास विचार नहीं आए, बोल के किसी ने नहीं बताया उनको, वो दिखे। मोहम्मद को, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, वो सारी शिक्षाएं जो कुरान में लिखी हुई हैं वो क्या हुई? दिखी। ठीक है, महावीर को वो सारी की सारी शिक्षाएं दिखी। तो वो पश्यंती है, पश्य मैंने देखना। इस लेवल पे आप चले गए, विचारों से भी पीछे चले गए। और एक सबसे चौथा तल होता है, अंतिम तल, जिसे बोलते हैं परा, जो पैगंबरों से भी ऊपर होता है, जो भगवान के समतुल्य स्थिति का तल है। वो सिर्फ किताबी बातें हैं, उस तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब वहां पहुंच जाते हो आप, तो फिर वो फिर आप समाधि के सबसे ऊंचे वाले तल पे, जिसे संपर्क ज्ञात समाधि बोलते हैं, वहां पहुंच जाते हो, तो वो एक आम चीज से परे की बात है। तो उस पे हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। तो ये चार अवस्थाएं होती हैं ध्यान के विज्ञान की। हमने समझना ये है कि ध्यान करता क्या है, हम क्यों करें ध्यान। ध्यान कोई धर्म नहीं है, इसको आप किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, है ना, किसी से जोड़ के नहीं देख सकते। ये एक विज्ञान है, ध्यान एक विज्ञान है, ठीक है ना। कोई आदमी कह दे भाई ये तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का भाग है, बाकी सब धर्मों में ध्यान होता है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर ध्यान नहीं है। और ध्यान का क्या असली काम क्या है? ये आपके मन को शांत करता है, आपको और ज्यादा फोकस बनाता है, आपको तनाव से बचाता है। क्योंकि ध्यान क्या करता है, ये रिसर्च में सिद्ध हो गया है कि जब तनाव के दौरान आपके दिमाग में कोर्टिसोल रिलीज होता है, कोर्टिसोल एक ऐसा तत्व है जो आपको डिप्रेशन कर सकता है, आपको स्ट्रेस में ले जा सकता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी कम कर सकता है, तो उसको कम करता है, स्ट्रेस कम करने का काम करता है ध्यान। आपको फोकस करने का काम करता है, आपको ऑर्डिनरी लाइट से लेजर बनाने का काम करता है ध्यान, ठीक है। और आपके फालतू के विचारों को निकाल के, जैसे हम घर की डेली सफाई करते हैं ना, तो ध्यान के अंदर आप सफाई करते हो, आप अपने दिमाग का कूड़ा कचरा सब निकाल देते हो और काम के विचार ही आपके पास बचते हैं। आपकी वासनाओं को कम करता है ध्यान, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है ध्यान, आपके अंदर करुणा उपजाने का काम करता है ध्यान, आपको दूसरे को समझने के लिए प्रेरित करने का काम करता है ध्यान, है ना। क्यों? आमतौर पर होता क्या है, हम आप सबसे पहले अपने आप को देखते हैं, हम सेंटर में सेल्फ को रखते हैं। और जब आप ध्यान करने लगते हो तो एक बहुत बढ़िया बात होती है, क्या होती है? ध्यान के अंदर जब आप जाते हो तो आप इंटीग्रेटिव हो जाते हो। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है? आप सब ये मानते हो कि ये पूरी दुनिया आपस में गुथी हुई है एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो आज सूरज काम करना बंद कर दे, पृथ्वी कितने दिन चलेगी बताओ? अगर सूरज काम करना बंद कर दे तो पृथ्वी कितने दिन चलेगी? अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम ना हो तो यहां कोई रह सकता है? अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा? सब टकरा जाएंगे आपस में। अगर इस धरती के सारे पौधों को खत्म कर दिया जाए,
सारे पौधों को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम सह अस्तित्व में जीते हैं, पूरी सृष्टि एक दूसरे के साथ गुथी हुई है। अगर मैं यहां कुछ काम कर रहा हूं तो हलचल कहीं और भी हो रही है। और अब तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिसके ऊपर अभी 2022 का फिजिक्स का नोबेल मिला है। यहां हम कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब 10 करोड़ वर्ष प्रकाश वर्ष दूर, यानी यहां से जितनी हमारी सूर्य की दूरी है उससे भी हजारों गुना दूर वही काम हो रहा है उल्टी दिशा में। थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट बोलते हैं इसको, उसके लिए 2022 का नोबेल मिला है। जो चीजें कभी मेटाफिजिक्स की बेकार मानी जाती थी, जिस पर विज्ञान विश्वास नहीं करता था, आज वो सत्य साबित हो रही है। आप हिसाब लगा के देखो, लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और आइंस्टाइन ने यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया में कोई भी वस्तु कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं भाग सकती मन को छोड़ के, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि अरबों करोड़ किलोमीटर कोई चीज है वो यहां एक व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है, उल्टी दिशा में मूवमेंट हो रही है उसकी वहां थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट के हिसाब से? क्यों भाई, जब कोई लाइट से तेज कोई चीज चल ही नहीं सकती तो ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति यहां कुछ कर रहा है और सेम अपोजिट डायरेक्शन में वो चीज वहां हो रही है? तो इसका मतलब है कि इन चीजों से भी इतर कोई ऐसी शक्तियां हैं जिस जो अभी विज्ञान के समझ के बाहर हैं, ठीक है। बहुत कुछ जानना हमें शेष है अभी। तो ध्यान के अंदर बड़ी शक्तियां हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमने देखी है कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑटो सजेशन करके विजुलाइजेशन करके हम चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। जो चीज हम चाहते हैं वो होनी शुरू हो जाती है। हम प्रकृति को वो संदेश देते हैं, वो हमारी सहायता करती है उन चीजों को प्राप्त करने में जो हमें चाहिए होती है। ये मिरेकल्स हैं, लेकिन हैं, होते हैं। तो ध्यान के अंदर बड़ी शक्तियां हैं। अब मोटी मोटी बात है, हमने समझ लिया ध्यान होता क्या है, हमने समझ लिया ध्यान क्यों करना चाहिए, हमने अब हम ये समझें कि ध्यान किया कैसे जाता है। हमारे योग शास्त्रों के अंदर ध्यान करने के 112 तरीके बताए गए हैं, लेकिन सबसे आसान ध्यान, सबसे कम समय के अंदर ध्यानस्थ हो जाने की जो विधियां हैं उनमें से एक है विपश्यना ध्यान, जो महात्मा बुद्ध ने दी थी आज से 2500 साल पहले। सबसे आसान है, उसके अंदर आपको आराम से बिल्कुल बैठ जाना है बिना कोई शरीर में तनाव लिए। आप इसको बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, सफर करते हुए कहीं भी कर सकते हो। इसमें करना क्या है, इसमें आपको अपने सांस के ऊपर ध्यान रखना है, आपकी आती जाती जो सांस है उसको देखना है, बस साक्षी भाव से बिना कोई मिलावट करे जो भी विचार आपके मन में आए उसको देखते चले जाना है। इसे बोलते हैं साक्षी भाव या दृष्टा भाव। दृष्टा मैंने दार्शनिक हो, एक आप देख रहे हो उसको आते जाते, साक्षी मैंने आप उसके ऑब्जर्वर हो, बस एक ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर की तरह आप देख रहे हो, उसमें मिलावट नहीं करते आप अपने, ठीक है। तो विपश्यना के अंदर आपको आती जाती सांस को देखना है। विचार आएंगे आप फिर ध्यान सांस पे लगा लो, फिर कोई विचार आएंगे फिर ध्यान सांस पे लगा लो, धीरे धीरे करके आपका अभ्यास होता चला जाता है। पहले 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जितनी देर भी आप आराम से कर सको उस समय करो। इस ध्यान की खास बात यह है कि इसमें कोई बंधन नहीं है जगह का, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो। इसमें कोई बंधन नहीं है समय का, कितनी भी देर आप कर सकते हो। इसमें बंधन नहीं है किसी स्पेशल पोज का, जैसे कोई आपको सुखासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है, किसी पोज का कोई बंधन नहीं है, किसी भी पोज में आप बैठ के कर सकते हो, बैठ के, लेट के, खड़े होके, जैसे मर्जी, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। आंखें बंद हो तो ज़्यादा अच्छा है, आंखें खुली करके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा आसान ध्यान है। ध्यान की और बहुत सारी विधियां हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर 4 किस्म के योग बताए हैं, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग और क्रिया योग, ठीक है। भक्ति योग आप सब जानते हैं, जब पूर्ण भाव से हम समर्पित हो जाते हैं किसी इष्ट के प्रति तो उसे भक्ति योग बोला जाता है। और जब हम निष्काम कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हैं बिना किसी फल की इच्छा किए हुए तो उसे निष्काम कर्म या फिर कर्म योग कहा जाता है। और ज्ञान योग का अर्थ है जब हम ज्ञान के माध्यम से जब हम जान जाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग विद्या और मोक्ष विद्या को जान जाते हैं ज्ञान के माध्यम से। जैसे कठोपनिषद के अंदर यमराज से नचिकेता ने ज्ञान लिया था अग्नि विद्या का, जिसे बाद में नचिकेता विद्या भी कहा गया या फिर मोक्ष विद्या का, वो सारी की सारी चीजें ज्ञान योग के अंतर्गत आती है।
और क्रिया योग के अंदर जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम षड्योग करते हैं, जो गोरखनाथ जी ने षड्योग के जरिए कपालभाति धोती न्योली के जरिए दिया है, वो सारा का सारा क्रिया योग में आता है। तो चार किस्म का योग भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे किस्म के अलग अलग ध्यान की विधियाँ हैं, राजयोग है, मंत्र योग है, लय योग है, जप योग है, किसी भी तरीके से आप उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं जिस पर आप पहुँचना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अपने आप को उस परमात्मा की सत्ता के साथ मिलाना है, जो सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से और योग के रास्ते से ही संभव है।